जहां कमिश्नर कार्यालय के पास विगत कई दिनों से भूमि बचाओ संघर्ष समिति द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं पुरुष शामिल है जो ठंड और बारिश में अपनी मांगों को लेकर डटी हुई है। रविवार को मध्य प्रदेश कोल जनजाति प्राधिकरण के अध्यक्ष रीवा एक बैठक में शामिल होने पहुंचे। जानकारी मिलने के बाद धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे लोगों से ज्ञापन लिया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि उनका काम सरकार और जनता के बीच सामंजस्य बनाना है। भूमि बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई जानकारियां शासन तक पहुंचाएंगे। आंदोलनकारियों की मांग है कि जो जहां निवास कर रहा है उसे वहां पट्टा दिया जाएगा। आपको सुनाते हैं मध्य प्रदेश कोल जनजाति प्राधिकरण के अध्यक्ष ने क्या आश्वासन देते हुए मीडिया से क्या चर्चा की है। हम लोग सब महिलाएं यहाँ बैठे रही थे, भूखे प्यासे कोई देख रहा है अपने वोट के लिए। आवाज है कि हमके विजयी बनाओ, हमको वोट दो, हम प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनी, मगर महिलाएं के देखत है, वही महिलाएं के देखते हैं कि जौन महिलाएं राजनीति में है, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, जिला पंचायत, उनका विकास हो गए। जौन महिलाएं बेरोजगार है, उनके पास जमीन नहीं है, उनका कहाँ सुनवाई नहीं है। चाहे अपना हमारा भाई हो, बाप हो, कोई भी हो, अगर जब बन गए हैं नौकरी करे हैं तो जनता ने पता नहीं भाई नौकरी करे हैं, वो तो हमें यही नहीं, उनका कहाँ भागीदारी नहीं है, जो बने हुए हैं तो उम्मीदवार। नहीं, मैं तो एक बैठक में आया था यहाँ पे बैठक करने। मैं मध्य प्रदेश स्कूल जनजाति विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष के नाते कुछ जिले के प्रबुद्ध वर्ग के जनप्रतिनिधि हैं और तथा अन्य लोगों को बुलाया था सुझाव हेतु। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि भूमि बचाओ आंदोलन ऐसा यहाँ पर आंदोलित हैं जनजाति समाज के लोग, उनके बीच आया था, उनकी समस्या सुनने आया था और उनसे मैंने ज्ञापन लिया है। और मेरा जो काम है सरकार तक पहुँचाने का, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उनके ज्ञापन पर सरकार गंभीरता से विचार करे। काफ़ी दिन से महिलाएं बैठी हुई हैं। नहीं, मैं तो पहली बार आया, देखो मुझे जानकारी हो, जैसे मैं कलेक्ट्रेट से मुझे जानकारी हुई मैं खुद चला आया, आपसे बिना बुलाए चला आया। क्या मांग जाए, ये जमीन संबंधी ज्ञापन उन्होंने मुझे दिया नहीं है, ज्ञापन अभी देंगे। जमीन संबंधी है कि जहाँ पर हम काबिज हैं उनको पट्टा मिलना चाहिए, जायज मांगे हैं। सरकार भी विचार कर रही है कि जो आदिवासी या अन्य वर्ग का व्यक्ति जिस भूमि पर निवास करता है उसका मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए। इस विषय को लेकर यहाँ पर वो आंदोलित हैं, उनका ज्ञापन लूँगा मैं सरकार के समक्ष, ये बात रखूँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है सरकार इस पर विचार करेगी।